और आज इंग्लैंड ने श्रीलंका को शानदार अंदाज में हराकर सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह बना ली। इंग्लैंड के श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। मैच में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ। श्रीलंका के लिए पोथुम निशंका ही बड़ी पारी खेल पाए, उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज रन बनाना तो दूर, क्रीज पर टिक भी नहीं पाए। श्रीलंका ने इंग्लैंड को जीतने के लिए 142 रनों का टारगेट दिया था, जिसे इंग्लैंड ने आसानी से हासिल कर लिया। और इस जीत के साथ ही इंग्लैंड टीम ने सेमीफाइनल के क्वालिफाई में अपनी जगह बनाई और ऑस्ट्रेलिया को नेट रन आउट के साथ ही पीछे होने के कारण T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर और एक्सलेस हेल्स ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ही ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए, दोनों ने ही मैदान पर तरफ स्ट्राइक बनाए। जोस बटलर ने 28 रन बनाए, वही पर एक्सलेस हेल्स ने तूफानी अंदाज में 30 गेंदों में 47 रन बनाए। तेज गेंदबाज मार्क गुड ने आखिरी ओवर में 3 विकेट निकालकर श्रीलंका को 150 तक नहीं पहुंचने दिया। वही बुड ने 26 रन देकर 3 विकेट लिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका ने 45 गेंदों पर 67 रन का पारी खेली और चौके पर छक्के लगाए। श्रीलंका की तरफ से दूसरा बड़ा योगदान भानुका राजपक्षे का रहा, जिन्होंने 22 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 22 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड के गेंदबाजों ने एक औसत शुरुआत के साथ बाद ही बढ़िया वापसी करते हुए श्रीलंका को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। श्रीलंकाई टीम ने 8 ओवर के अंदर में ही 70 रनों के आंकड़े को पार कर दिया, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड ने काफी बढ़िया वापसी की और उनके गेंदबाजों ने रन के बहाव पर अंकुश लगाया। कुशल मेंडिस ने 14 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन का योगदान दिया। मार्क वुड के पारी के आखिरी ओवर में राजपक्ष ने पहले गेंद पर चौका लगाया, लेकिन फिर दूसरे 5वीं और 6वीं गेंद पर 3 विकेट गंवाए। इंग्लैंड को यह मैच जीतने के लिए 142 रन का लक्ष्य मिला था।